सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जो राजस्थान में प्रकरण, ध्वजा प्रकरण चल रहा है पिछले कुछ समय से, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने कई बार कहा है और शासन प्रशासन को ईमेल के माध्यम से भी ये कहा है कि 1 तारीख को मेरा कोई भी कॉल नहीं था गैदरिंग करने का, इकट्ठा होने का, कहीं जाने का। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग इस बात को दर्शा रहे हैं कि उपदेश राणा ने 1 तारीख को 250 गाड़ियों के साथ आने का आह्वान किया है, भगवा ध्वज लगाने का ऐलान किया है अंबागढ़ माता मंदिर पर। सबसे बड़ा झूठ इनका पहला है। दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो उकसा रहे हैं, मैं 10 दिन से सोशल साइट पर सफाई दे रहा हूं कि मेरा ऐसा कोई कॉल नहीं था, ऐसा मेरा कोई ऐलान नहीं था। मुझे ये लग रहा है जिस तरीके की ये उकसा रहे हैं और जिस तरह मुझ पर यह थोपा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश में उकसाकर बुलाकर कोई बड़ा दंगा प्लान कर रहे हैं और उपदेश राणा को राजस्थान में प्रदेश में बुलाकर उकसाकर कि यहां पर आओ, इस तरीके का माहौल क्रिएट करके उपदेश राणा की जान को खतरा है और ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट अब हो गया है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया और उसके बाद भी लगातार कंटिन्यू बातें बोली जा रही हैं। और जो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं रामकेश मीणा जी, वो साथ में खड़े हुए हैं, उनके साथ में जो इस आंदोलन को पुलिस के मना करने के बावजूद भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विक्रम सिंह मीणा जैसे लोग और लोग, वो ये कह रहे हैं कि उपदेश राणा तो यहां बार बार चैलेंज कर रहे हैं, बार बार उकसा रहे हैं। तो इससे सीधा ये स्पष्ट होता है कि उपदेश राणा की हत्या राजस्थान में कराई जाएगी। इनका ये मंसूबा है कि जिस इंसान ने कभी कुछ नहीं बोला, अगर उसको लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है उसके नाम पर गलत चीज बोल के, तो इनका मकसद साफ साफ है। मेरी वहां पर बहुत पॉलिटिशियन से बात हुई और लोगों से बात हुई, सब शांति चाहते हैं। और भाई, अगर मैं जयपुर आऊंगा तो तुम्हें बताकर आऊंगा क्या, या जयपुर कहीं बाहर है क्या हिंदुस्तान से? मैं कितनी बार आया हूं, कितनी बार मैं आगे आऊंगा, मुझे आना जाना होगा, मेरा कोई कार्यक्रम होगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी इस बात को गौर किया जाए कि उपदेश राणा की हत्या की साजिश रची जा रही है।